हाय गाइस, आज हम खड़े हैं Hyundai ग्रैंड i10 स्पोर्ट वर्जन के सामने और ये है Hyundai का बेजिंग और इस कार की हाइट है 1.5 मीटर और लेंथ है 3.7 मीटर। काफ़ी अच्छा लुक दे रही है Hyundai ग्रैंड i10 और आप ये देख सकते हैं कि जो फॉग लैंप दिया गया है वो ग्रैंड i10 में बहुत अच्छा उसके लुक में इम्प्रेशन कर रहा है ये। और ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प। अगर इस कार की बात की जाए जो कंपिटिटर्स कार है उस कार का मैं लिस्ट दे देता हूँ, जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट है, रेनॉल्ट क्विड है, Hyundai सेंट्रो, टाटा टियागो, टाटा बोल्ट जैसी जो हैचबैक कार्स है वो उसके कंपिटिटर में है। और ये आप देख सकते हैं Hyundai का पूरा व्यू, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं आपको दिखाते हूँ ये साइड व्यू, आप साइड व्यू भी देख सकते हैं Hyundai ग्रैंड i10 का। उसका जो व्हील है वो 165/16/5 R14 टायर्स में दिया गया है विद ड्रम ब्रेक के साथ। ये Hyundai का बेजिंग भी देख सकते हैं आप। और ये डोर गार्ड लगा हुआ ताकि आपका जो डोर से उसमें स्क्रैचेस ना लगे। आप देख सकते हैं साइड व्यू पूरा ग्रैंड i10 का। ये रियर व्यू, रियर टायर है। और आप पीछे का लुक भी आप देख सकते हैं, ये Hyundai का बेजिंग लगा हुआ है, ग्रैंड i10 का बेजिंग यहाँ पे लगा हुआ है। और ये पीछे का बम्पर जो ब्लैक लगा हुआ है, ये ग्रैंड i10। और ये पीछे का टेल लैंप आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये ब्रेक लैंप है और ऊपर आप देख रहे हैं वो शार्क फिन एंटीना है, ये शार्क फ्रेंक एंटीना है। और ये रेल है, ये 1.2 लीटर कप्पा इंजन दिया गया है। ये इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 5.5 लाख अप टू 7.5 लाख है। और हम चलते हैं रियर। यहाँ पे आप डोर में देख सकते हैं कि पावर विंडो का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे वुड स्पेस देख लेते हैं आप, 256 लीटर की वुड स्पेस दी गई है। काफ़ी अच्छी है काफ़ी अच्छी है ये वुड स्पेस। और ये स्पेयर व्हील दिया गया है, उसमें आपको एलो व्हील नहीं दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से हाइड्रोलिक स्टड दिया गया है। पीछे का व्यू भी Hyundai ग्रैंड i10 का बहुत अच्छा लुक लग रहा है। और हाँ दोस्तों, हम Hyundai वेन्यू का भी रिव्यू कर दिया है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उनका भी वीडियो देख सकते हैं। ये वो भी बहुत अच्छी कार थी। और आप आगे का कैबिन देख सकते हैं Hyundai ग्रैंड i10 का। यहाँ पे पावर विंडो का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे साइड मिरर भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है लॉक अनलॉक बटन। और ये एसी वेंट। और ये ग्रैंड i10 का स्टीयरिंग व्हील। और ये Hyundai की की आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइव गियर मैनुअल दिए गए हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन का भी ऑप्शन दिया जाता है। और ये है स्पीडोमीटर, उसमें आप फ्यूल एफिशिएंसी ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। और जो ये बताया हूँ मैं वो आगे की लाइट, जो प्रोजेक्टर हेड लैम्प और फॉग लैम्प का कंट्रोल है। और ये पावर विंडो का कंट्रोल। और ये डिस्प्ले। और यहाँ पे ग्लो बॉक्स भी दिया गया है। और ये ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल भी दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी ग्रैंड i10 की कैबिन। और ये है लाइट, जो रात को समय ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। और ये एसी वेंट, जैसे ये बताया मैंने, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर। अब पीछे बैठेंगे हम।
और आप देख सकते हो कि पीछे की सीट काफ़ी एडजस्टेबल है और कंफर्टेबल भी है। और ये